डेंगू फैल रहा, डेंगू प्रशासन बदलना होगा क्या? मोदी सरकार प्रशासन बीजेपी सरकार मुर्दाबाद प्रशासन हाय हाय प्रशासन हाय हाय बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद प्रशासन हाय हाय हरिपाल सरपंच मुर्दाबाद बीजेपी सरकार हाय हाय प्रशासन मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद हरिपाल सर मामला ये है जनाब, ये जो यहाँ पे गांव में देखो कच्ची गली और एक गांव के निवासी है बहुत दुखी हैं जी यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी नेता लोग आते हैं वो हमारे को आश्वासन दिलाते हैं भी आपकी एक गलियाँ जो है ना हम पक्की कराएंगे, लेकिन इलेक्शन टाइम में तो हमारे को पूरा आश्वासन देते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ को कोई देखता ही नहीं भी यानी क्या हो रहा क्या नहीं, इससे यानी लोग बहुत परेशान हैं, औरतें बच्चे हादसा होने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है जी, और अब की बार अगर जो कोई भी प्रशासन से कोई भी बंदा आएगा या यानी कोई भी नेता लोग होगा हम उसको पूरा बहिष्कार करेंगे जी। देखो यानी जबती छपरे में इतना गंदगी आप देख रहे मौके पे आप, और ये यहाँ के लोग जो इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा परेशान है जी, अब ये ग्रामवासी ये कह रहे भी जो भी कोई यहाँ पे नेता होगा उसका हम इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आएगा तो हम उसका बहिष्कार करेंगे जी। सर हमारी जो गलियाँ हैं गलियाँ जो हमारा मेन रास्ता है जिस पर हमारे 500 घर हैं बहुत बुरा हाल है, गाँव में कच्ची गलियाँ बिल्कुल सड़कें ना कोई सरपंच ध्यान देता ना कोई सरकारी अफसर ध्यान देता बिल्कुल भी, और हमारा इतना बुरा हाल है कि कई बार तो बच्चे भी गिर जाते हैं तो निकलना मुश्किल होता है उनका, और हमारे गांव में जो ट्रैक्टर बुग्गी का रास्ता बिल्कुल ख़त्म है, कई बार बुग्गियाँ पलट जाती हैं हादसा होने का खतरा रहता है, गाँव की जो मेन सड़क है जो आज तक गाँव में बनी ही नहीं, चाहे वो किसी की भी सरकार हुई कांग्रेस की हुई बीजेपी की हुई या किसी की भी आज तक नहीं बनी, और हमारे गाँव में इतनी बुरी बीमारियाँ फैली हुई हैं मलेरिया टाइफाइड डेंगू इतनी इस गंदगी की वजह से, और इस बरसात में इतना बुरा हाल होता है गांव वालों को जीना मुहाल हो रहा है। ये जबती छपरा में पीछे काफी अंधारवासी गई हुई है जिसमें लगभग हमारे पंचायत राज के एक्शन ने काम किया हुआ है और पंचायत को भी दी हुई है, जैसे कई कई गलियों के लिए दिए नाले के लिए दी गई हुई है और शमशान घाट के उसके लिए दी गई हुई है, ये जनरल चौपाल के लिए ग्रांट दी गई हुई है, इंटरलॉकिंग स्ट्रीटों के लिए दी हुई है, अभी पहले कोई काम नहीं होगा जो ग्रांट दी गई है वो दी गई, वो भी काफी बड़ा गांव है, कई गांव है, तीन गांव है इसमें, तो तीन गांव में कार्य हुए हैं इनमें, ऐसा कुछ नहीं है, सारे काम कंप्लीट है मौके पर होंगे, ऐसा तो नहीं है अभी कंप्लीट हो सका, अभी और काम रह गए वो अलग बात है, तो वो उसका वो भी सरकार के संज्ञान में वो भी कंप्लीट करेंगे होएंगे, सरकार के जल्दी से जल्दी अनुदान राशि ले रही है दे रही है तो करवाएंगे।